फिरदौस एक पैर से मजबूर है, लेकिन उसने अपनी इस परेशानी को कभी भी अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। जब सिलाई मशीन पर वह काम करने बैठती है तो उसका हुनर देखने लायक होता है। हाथ और पैर का तालमेल ऐसा है उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। जिंदगी में तमाम मुश्किलें आई, लेकिन फिरदौस चट्टान की तरह टकटी रही। लेकिन कुछ समय पहले ऐसा दौर आया जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वजह शारीरिक दिक्कत नहीं, बल्कि उसकी कमाई का आधा हिस्सा बस के किराए में चला जाता था। वह इंदौर के बंबई बाजार इलाके में सिलाई का सामान लेने के लिए जाती थी। सप्ताह में कई बार आने और जाने में उसकी कमाई खर्च हो जाती थी। जब फिरदौस ने अपनी दास्तां सुनाई तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मैं फिरदौस भी है ना, आने जाने में मुझे परेशानी होती थी, मुझे दिक्कत होती थी, प्रेगनेंसी में भी परेशानी होती थी मुझे, और हस्बैंड भी विकलांग है, उनसे भी चला फिरा नहीं जाता है। मेरी छोरियों को आने जाने की बहुत परेशानी होती थी, बहुत दिक्कत होती थी, मैं पैदल लेके आती थी, पैदल जाती थी, और थैली का काम मुझे है ना, आना जाना बहुत महंगा पड़ता था, कभी मशीन खराब हो जाती, कभी क्या हो जाता था, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। अब फिरदौस की जिंदगी की तस्वीर बदल गई है। अब उसकी जिंदगी की गाड़ी इस गाड़ी की तरह सरपट दौड़ रही थी। दरअसल फिरदौस की परेशानी कलेक्टर तक पहुंची और फिर उसकी समस्या का समाधान निकालने के लिए शिवराज सरकार दौड़ पड़ी। सरकार ने उनके जैसी निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं के लिए गाड़ी का तोहफा दिया है। इससे फिरदौस की जिंदगी आसान हो गई। उसका न केवल खर्चा कम हो गया, बल्कि उसके बच्चे भी अपनी माँ की गाड़ी पर सवार होकर स्कूल जाते हैं। मुझे ना पता चला कि है ना, सरकार के द्वारा गाड़ी मिल रही है, तो मैं फार्म भर के आई, तो मैंने फिर गाड़ी मिली, मुझे जब से बहुत आराम है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी, आपने मुझे गाड़ी देके बहुत अच्छा करा। फिरदौस को गाड़ी देने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। फिरदौस अकेली नहीं है जिनकी जिंदगी की परेशानी सरकार की पहल से दूर हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके जैसी 25 निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अपने पैर पर खड़े होने वाली दिक्कतों को दूर किया है। अब तो ऐसी महिलाओं की मदद करने के लिए शिवराज सरकार ने अपना मिशन बना लिया है। इमीडिएट नीड है उसका भी हम रेड क्रॉस के माध्यम से दूर करा रहे हैं। नॉर्मल दिव्यांगों को तो हम लोग लगातार है ना, एक रेट्रोफिटिंग है ना, स्कूटी का है ना देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी हम 15 अगस्त को भी है ना, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अमृत काल है, उतने लोगों का है ना, मतलब है ना, स्कूटी देने के लिए हमने आदेश दिए हैं। ये मौसम बारिश का है और सरकार की इस पहल ने उनकी जिंदगी में लंबे समय से छाए सूखे को दूर कर दिया है। उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि खुशियों की ये कंपल उनकी जिंदगी में हरियाली लाएगी।